हकीकत जिंदाबाद 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 हजूर का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मांगे कैसे लोगे, वेतन देना होगा देना होगा देना होगा। हजूर हमारे मुख्य मार्ग एक कर्मी है गौतम प्रसाद जी, उनकी सेवा आपस में थोड़ा सा बर्ताव हुई थी, कर्जा हुई थी, जिसका कारण बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए बिना उसका रूल कानून के ये बैग स्टार्ट कर दिया। मेरी मांग मुझे आपसे किया जाएगा और सेवन पे की मांग कर दिया तो मुखबा मेरी गरीब आदमी है 12,000 रुपया परसों से कर रहा है, उसी आधार पर जारी करने जा रहा है। मैंने यहाँ प्रबंधन जो है ये नहीं कर रहे, यहाँ आपकी नियुक्ति करेंगे या सतवा वेतन मान देंगे, ये गुमराह का कैम रखेंगे। ये वर्षों लड़ाई हमारा 3 वर्ष से चल रही है, इन्होंने एग्रीमेंट करते हैं जो हम दे देंगे, अभी तक ये कर्मचारी को मिलता नहीं है। इसलिए मेरी कर्मचारी गेट में जवान नहीं है, इसलिए रोड पर उतरिए, हमको खाना लगा भूख लगा है इसलिए खाना दीजिए। इसलिए हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल में, इसलिए आपको कितने द्वारा डिस्चार्ज किया था ये आगे की राजनीति है कि हमारे अगर ए सी सी की मांग मेरी पूरी हो जाती है आपसी उनकी हो जाती है मैं हटा दूँ तो मुझे अनुचित कर। मेरा नाम मुंजी पासवान उपाध्यक्ष बिहार राज्य पर्यटन विकास क्यों करता बहुत मांगे हैं हमारे सेवन के चलते। एक कर्मचारी हमारे हैं श्री गोवर्धन प्रसाद जी, जिनको सेवा समाप्ति कर दी गई है, इसके साथ ही कई हमारे पास जो है लंबित प्रतीक्षा रखे हुए हैं मांग है, जिनको निगम प्रबंधन के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में हम लोग 13 तारीख से अनिश्चित खाली रखा काम पर हैं। जहाँ तक 7 पे कमीशन की बात चले तो 6 पे कमीशन आप लोगों को मिल रहा है? हाँ जी, अब ये 6 पे कमीशन हम लोग को मिल रहा है अभी भी बताइए। अच्छा, अब फिर आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं सुनी जो प्रबंधन आगे की रणनीति तो यही है हमारी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल जारी है और जारी रहेगी। फिर साथ में काम भी कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर रहे, हमारे सारे कर्मचारी जो है इसमें हड़ताल पे हैं। तो ये कर्मचारी 3rd क्लास और 4th क्लास के? हाँ जी, टोटल के टोटल हम लोग 250 कर्मी हैं लगभग, तो सारे के सारे हड़ताल। अच्छा, मेरा नाम लक्ष्मी कुमार हुआ, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कर्मचारी से हम। ठीक है।